आगरा के थाना एतमादौला क्षेत्र के पेचवाली गली घाट बजरिया में लेखराज के घर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक माँ ने घर में जवान बेटे को फांसी पर लटकता देखा। उनकी चीख निकल गई। आंखों के सामने बेटे को पंखे पर लटका हुआ देख माँ बेहोश हो गई। जानकारी पर पता चला कि मृतक अजीत की शादी 8 साल पहले अंजलि से हुई थी। दोनों के कोई संतान नहीं थी। अंजलि 6 महीने से मायके में रह रही है। युवक अपनी पत्नी को ससुराल में लेने के लिए कई बार गया, लेकिन पत्नी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। युवक को ससुराली जन लगातार परेशान कर रहे थे। अजीत ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी अंजलि, सास व साले को ठहराया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर पत्नी अंजलि सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। नमस्ते भाई और बहनों, मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं 9/4 मोतीबाग यमुना ब्रिज घाट का रहने वाला हूँ और आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय के पद पर तैनात हूँ। साथियों, मेरा जैसे मेरे बेटा ससुराल ये टॉर्चर कर रहे, सब सबूत है मेरे पास। मैं लेने गई तो मौसम बीमारी बूते के नाम नहीं कही है और सबूत है इसका मेरे पास। फिर मेरे बेटा रोज टॉर्चर कर रहे हैं। कौन टॉर्चर करता है? सास ससुर सारो सारी जो मेरे बेटे ने बचे, मेरा ही माल खा के मिलो वो बहिया। मेरे बेटे ने ब्याह करा ले, दोनों माल खेच लो। 8 साल ते रात पे भुगान पे लाद देख बना लो। बेटी पर नौकरी करा रही है हॉस्टल में। अच्छा, बेटा ने मना करी मैं नौकरी ना करवान चाह। शर्म के मारे 3 महीना से मेरा बेटा ड्यूटी नहीं गयो। मेरे बेटा ने अभी जॉन करी। आपके बेटे ने एक वीडियो बनाया है और एक सुसाइड नोट लिखा हुआ है, ये सच है? मेरे बेटा, ये बात सच है ना? सच है। क्या वो परेशान था ससुराल वालों से? हाँ, मेरे बेटा वो सच है। इस मामले में आपने पुलिस में शिकायत की है? हाँ, मैंने पुलिस की। ठीक ठीक, शिकायत की है ना आपने? फांसी लगा ली। किस बात के पीछे? इन्होंने एक वीडियो वायरल किया है जिसमें अपनी पत्नी साले और ससुर सास को दोषी ठहराया गया है, क्या इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये बात सत्य है, लोग परेशान करते थे, काफी ज्यादा मेंटली टॉर्चर करते थे। अच्छा, किस बात को लेकर परेशान था तुम्हारा भाई? 6 महीने पहले मेरे भाई ने इनको मेले में एक लड़के के साथ देखा था। किसको? अपनी वाइफ को। ठीक है, को हमारे को। तो उन्होंने घर पे ही बताया, इनके घर मोबाइल लेकर आया इनसे लेकर दिखाने के लिए। तो इन्होंने उल्टा लोहा मंडी थाने में मेरे खिलाफ झूठा केस लिखा दिया कि मैं इनके घर से फोन चोरी करके लेके गया हूँ। पुलिस वालों के कई फोन आए इनके फोन पे, फिर हमने कहा हमने ऐसा किया ही नहीं है। फिर क्या हुआ? वो मैटर महकमे में मम्मी गई राजीनामा करने, जब जाके इन्होंने राजीनामा करा इनके घर पर, इनकी मम्मी राजीनामा करने। अच्छा, ये बात थी। हाँ, ये ऐसी मेंटली टॉर्चर करते रहते थे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।